गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग BHU MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो आप जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे के हमारे वीडियो में देखे जाएंगे। आज हम पूरे मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। पहले है दूध। हमारा दूध जो है वो क्या है? दूध हमारा एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। दूध हमारा एक रासायनिक लिक्विड है, ठीक है। और दूध में जो वसा होता है वो हमारा पायस के रूप में होता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दूध का वसा किस रूप में होता है, तो दूध का जो वसा होता है वो हमारा पायस के रूप में होता है। कैसीन क्या है? कैसीन जो हमारा दूध का प्रोटीन है, दूध के प्रोटीन। कैसीन में क्या होता है? कैल्शियम कैसीनेट के रूप में उपस्थित। जो हमारा दूध होता है उसमें कैसीन हमारा कैल्शियम कैसीनेट के रूप में रहता है, ठीक है। शर्करा लैक्टोज के रूप में रहता है। फास्फेट और प्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व जो है हमारा दूध में उपस्थित रहते हैं। ये चीजें हमारे दूध में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूध का संगठन। दूध का संगठन क्या है? दूध में वसा, दूध में हमारा वसा है 3.6%, प्रोटीन हमारा 3.4 और 4 से लेके 7% हमारा लैक्टोज है। खनिज लवण 0.007 और जल 85 से 88% तक हमारा जल। मतलब मिल्क में सबसे अधिक क्या है? हमारा जल, जो पानी होता है मिल्क में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वसा। जो दूध का वसा होता है वो पायस के रूप में होता है। आपको पहले ही मैंने बताते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दूध का वसा जो होता है, दूध में जो फैट होता है वो पायस के रूप में रहता है। और गाय के दूध में 3.5% वसा रहता है। गाय के दूध में 3.5% रहता है, भैंस के दूध में 7% रहता है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूध में संतृप्त वसीय अम्ल 62% तथा असंतृप्त वसीय अम्ल 37% होता है। दूध में संतृप्त और असंतृप्त दोनों वसीय अम्ल पाए जाते हैं, और जो संतृप्त वसीय अम्ल है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है और असंतृप्त वसीय अम्ल के अपेक्षा, ओके। दूध में वसा जो होती है 3.5 से 7.5% तक होती है। ये हमारी दूध में जो वसा होती है 3.5% से लेकर 7.5% तक होती है। तो इसमें सबसे आपको याद करने वाले टॉपिक क्या है? दूध में वसा जो होता है वो पायस के रूप में रहता है, ठीक है। और दूध में संतृप्त वसीय अम्ल 62% और असंतृप्त वसीय अम्ल 37%, और दूध में वसा 3.5 से लेकर 7.5% तक होता है। ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोटीन। दूध में प्रोटीन, हमारे दूध में प्रोटीन भी है, वसा है तो प्रोटीन भी है। बाय द वे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है। मतलब दूध में सारे जो होते हैं हमारे मिनरल्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी वो दूध में होती हैं। विटामिन सब कुछ हमारा दूध में माना जाता है, मतलब पाया जाता है। इस वजह से दूध को हम लोग संपूर्ण आहार मानते हैं। गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है 3.5% तथा भैंस के दूध में 4.1% प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन जो हमारा दूध है, दूध के प्रोटीन को हम लोग कैसीन कहते हैं। कैसीन में कैल्शियम उपस्थित होता है। अक्सर हम लोग सुने होते हैं दूध हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कैसीन हमारा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन है, वो हमारा उसमें कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ओके। फिर दूध की में प्रोटीन की पहचान, दूध में प्रोटीन की पहचान रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जो रेनिन एंजाइम, हमें कैसे पता चलेगा कि दूध में प्रोटीन है? तो वो जो रेनिन एंजाइम होता है वो बताता है कि, उससे पता चलता है कि दूध हमारा, दूध में रेनिन है। रेनिन अमाशय में अमासिक रक्त से निकलता है। जो हमारा रेनिन है वो अमाशय के अमासिक रक्त से निकलता है। ये आपको मैंने बताया होगा जो इसके पहले वीडियो में, जब मैंने आपको
डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेनिन एंजाइम पे दूध पे कैसे क्रिया करती है, जब रेनिन एंजाइम बच्चों का दूध या बड़ों में जो हमारा दूध पाचन होता है वो रेनिन एंजाइम से होता है, इसी वजह से जो दूध है तुरंत ही थक्का बन जाता है। दूध का थक्का बनना ही हमारा रेनिन एंजाइम की क्रिया हो रही है ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोज। कार्बोज क्या है, दूध में हमारा कार्बोज भी पाया जाता है। दूध में कार्बोज कितना पाया जाता है, 4 से लेके 5% तक हमारा दूध में कार्बोज पाया जाता है, ठीक है। दूध की शर्करा को लैक्टोज के रूप में जाना जाता है, जो दूध की शर्करा होती है इसको हम लोग लैक्टोज के रूप में जानते हैं। माता के दूध में सर्वाधिक 7% तक लैक्टोज होता है, लैक्टोज माता के दूध में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 7%। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप लाइन है कि माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज कितना होता है, तो माता के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज 7% तक होता है। लैक्टोज जो होता है उसी के कारण हमारा दूध का दही बनता है, जो लैक्टोज होता है उसी से हमारा दूध का दही बनता है। और दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबायलिसिस कहते हैं। ये बहुत आपको ये नाम याद रखना है, दूध से दही बनने की क्रिया को किस क्रिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबायलिसिस कहते हैं। बहुत ही आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं कि अब बताइए दूध को दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे आपको नाम्स दिए होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस देंगे तो उसमें ये भी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोबायलिसिस जो होता है वो दूध से दही बनने की क्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है खनिज लवण। जो दूध में खनिज लवण भी पाया जाता है, और किस रूप में पाया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम। ये हमारा दो खनिज लवण, और भी खनिज लवण हैं जो दूध में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लवण हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो दूध में पाया जाता है। विटामिन, दूध में विटामिन ए और बी, जो ए होते हैं और बी होते हैं, ये दो समूह के विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए और विटामिन बी के जो सारे होते हैं विटामिन, वो सारे समूह होते हैं वो हमारा दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। दूध में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा 150 से लेके 200 आयु तक होती है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा क्या, तो 150 से लेके 200 तक आयु तक होती है, ये हमारे विटामिन की मात्रा है। अब दूध के प्रकार, ऐसे तो दूध के बहुत बहुत सारे प्रकार हैं, बट हम यहाँ पे कुछ ही प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सारे प्रकार के नाम बताती चलूंगी। सबसे पहला है वसा रहित दूध, ठीक है। वसा रहित दूध क्या होता है, जिस दूध में वसा की मात्रा 0.5 से 1%, मतलब बिल्कुल भी कम होती है, उसे हम लोग वसा रहित दूध कहते हैं। इसमें सपरेटा दूध भी, इसे मतलब जो वसा रहित दूध होता है उसे सपरेटा दूध भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोन दूध। टोन दूध क्या है, वसा रहित दूध का दूध को गाय या फिर भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, उसे टोन दूध कहते हैं। जो हम लोग का वसा रहित दूध है उसको गाय या भैंस के साथ मिलाकर तैयार करते हैं तो उसे वसा रहित दूध को टोन दूध कहते हैं। इसमें वसा 1.5% होता है और वसा 3% होता है। सॉलिड नॉट फैट नॉन फैट, जो सॉलिड नॉन फैट है वो 1.5% तक होता है, ठीक है। डबल टोन दूध में वसा 1.5% होता है और सॉलिड नॉन फैट जो होता है 8.5% होता है, सॉलिड नॉन फैट 8.5 होता है। आपके क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि डबल टोन या फिर टोन दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, सॉलिड नॉन फैट की मात्रा कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो डबल टोन ये दूध क्या होता है, डबल टोन दूध होता है गाय या भैंस के ताजे दूध में वसा रहित दूध के पाउडर का वसा रहित दूध को मिलाकर तैयार करते हैं, ठीक है। अब फिल दूध क्या है, फिल दूध होता है हमारा नेक्स्ट क्या है, फिल दूध है। फिल दूध क्या है, यह दूध वनस्पति तेल या फिर सपरेटा से तैयार होता है, इसमें वनस्पति तेल या फिर सपरेटा से तैयार करते हैं, ठीक है। विटामिन की पूर्ति हेतु इसमें विटामिन ए भी मिलाया जाता है, जो फिल दूध में है इसमें अगर विटामिन की पूर्ति नहीं होती तो उसमें हम लोग विटामिन ए भी मिला के उसको बनाते हैं। इस फिल दूध में वसा की मात्रा 3.5% होती है, फिल दूध में वसा की मात्रा 3.5% होती है। 8.5% हमारा ये होता है सॉलिड नॉन फैट होता है, ठीक है। संपूर्ण दूध का पाउडर, दूध को तैयार करने के लिए जल को हम लोग वाष्पीकृत करते हैं तो हमारा दूध का पाउडर मिलता है। और दूध का पाउडर हम लोग दो विधियों से तैयार करते हैं, एक होता है हमारा रोलर ड्रम विधि, ठीक है,
एक हमारा होता है रोलर ड्रम विधि और दूसरा स्प्रे द्वारा सुखाना। तो रोलर ड्रम विधि क्या होती है, इस विधि में गर्म रोलर्स के रूप में डुबाए जाते हैं जिसमें दूध सूख कर बेलन पर चिपक जाते हैं, जिससे हम लोग खरोच कर दूध का पाउडर तैयार कर लेते हैं। और दूसरा क्या, स्प्रे द्वारा सुखाना, इस विधि में दूध का पाउडर बनाने के लिए गर्म बेलन पर जाली के दूध को छिड़काव करते हैं, ठीक है। तत्पश्चात गर्म हवा प्रभावित की जाती है और गर्म वायु के संपर्क में आकर हमारा जो दूध है वो वाष्पीकृत होकर एक पाउडर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट दूध के प्रकार। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि वसा रहित दूध का पाउडर, संपूर्ण दूध, संघनित दूध, वाष्पित दूध, प्रमाणित दूध, खमीरीकृत दूध और विसंक्रमित दूध। माल्टेड दूध का पाउडर, इतने टाइप्स के हमारे दूध होते हैं, कुल 13 टाइप्स के हमारे दूध के प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाश्चुरीकरण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाश्चुरीकरण, ठीक है। पाश्चुरीकरण हेतु हमारी तीन विधियाँ होती हैं। पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाश्चुरीकरण होता क्या है, जो हमारा पाश्चुरीकरण है वो होता क्या है। बहुत लोगों को पता होगा, अब वो पहले भी पढ़े होंगे पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है कि हमारा दूध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पाश्चुरीकरण करना आवश्यक है। तब हम लोग दूध को अधिक समय तक उसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च तापमान पर दूध को कुछ समय तक गर्म करके फिर एकदम से ठंडा किया जाता है। ये मतलब पहले उच्च तापमान पर हम लोग ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम लोग दूध को गर्म करेंगे और तुरंत ही ठंडा कर देंगे, जो ये प्रक्रिया करते हैं इसी को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। और पाश्चुरीकरण के लिए तीन विधियाँ होती हैं। दूध को 61.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखना, फिर अति शीघ्रता से मतलब बहुत जल्दी से ठंडा कर देना। सबसे पहली विधि क्या है, इसको 61.7 डिग्री सेल्सियस पे हम दूध को 30 मिनट तक गर्म करेंगे, फिर तुरंत ही इसको ठंडा कर देंगे। ये हमारी सबसे पहली विधि है। और सबसे इम्पॉर्टेंट विधि हमारा HTST विधि, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसे उच्च तापमान कम समय विधि भी कहते हैं, ठीक है। HTST हमें कभी कभी शॉर्टकट नाम भी बोल देता है कि HTST क्या है। तो ये एक पाश्चुरीकरण की विधि है। इस विधि में क्या कहते हैं, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि और लोकप्रिय विधि है, अधिकतर हम लोग इसी विधि का यूज करते हैं। तो अगर पाश्चुरीकरण के लिए तापमान पूछेगा तो आपको 71.7 डिग्री सेल्सियस से 15 से 20 सेकंड तक गर्म करने के शीघ्रता से ठंडा करना, यही आपको टिक करना है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और इस विधि को क्या कहते हैं, HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रा उच्च तापक्रम उपचार विधि, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। UHTTM, इसको क्या कहेंगे, UHTTM। इस विधि में क्या होता है कि 93 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग 3 से 4 सेकंड तक रखा जाता है, और या फिर 149 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए रखते हैं। मतलब 93 डिग्री सेल्सियस पर अगर रखेंगे तो 3 से 4 सेकंड के लिए रखेंगे, गर्म करेंगे। और अगर 149.5 डिग्री सेल्सियस पर हमें अगर एक रखना है तो हमें 1 सेकंड के लिए गर्म करना होगा, और उसके बाद हमें तुरंत ही उसे ठंडा कर देना होगा। ये हमारे तीन विधियां थी पाश्चुरीकरण की। पाश्चुरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, हमारे VHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आती रहते हैं, हर साल नहीं बोल सकते लेकिन अधिकांश ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप पाश्चुरीकरण को समझ गए होंगे। अधिकतर पाश्चुरीकरण में ये सेकंड विधि HTST वाले विधि पूछता है, इसी का टेम्परेचर पूछता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं समांगीकरण। अब हमारा समांगीकरण क्या है, जो हमारा दूध है उसमें वसा होता है, आप सब लोगों को पता है। और वसा क्या करता है, वसा जो हमारा है अगर होता है वही हमारे दूध को सड़ने या फिर खराब करने के लिए उत्तरदायित्व है। जो दूध के वसा को छोटे छोटे कणों में हम लोग विभक्त कर दिया जाता है, ये कण जो है संपूर्ण दूध में आकर मिल जाते हैं। जब हम दूध को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं और ये दूध पूरा आके हमारा संपूर्ण दूध में मिल जाता है, जिससे हम अलग करना असंभव हो जाता है। तो यही सड़ने, इसको सड़ने से बचाता है। तो दूध का जो समांगीकरण क्या है, हमें दूध को सड़ने से बचाने की प्रक्रिया, क्योंकि जो दूध में वसा होती है समांगीकरण विधि के द्वारा हम उसको दिन बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के कारण हमारे दूध में जो है वो घुल जाता है।
ठीक है। यह प्रक्रिया होमोनाइजर मशीन के द्वारा होती है। आप लोग को ये वाली मशीन का नाम याद रखना है, किस मशीन के द्वारा समांगीकरण की प्रक्रिया किस मशीन के द्वारा होती है, तो समांगीकरण की प्रक्रिया जो होती है होमोनाइजर मशीन के द्वारा होती है। समांगीकरण से क्या होता है, तो हम लोग दूध को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग समांगीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर समांगीकरण की क्रिया से इस विधि में आइसक्रीम, कस्टर्ड, दही आदि बनते हैं। इस विधि में लाइपेज एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे यह जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी तक था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम को लेके। इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं और आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आऊँगी, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।